भारत विश्व गुरु बनने की राह पर आगे बढ़ता नजर आ रहा है। भारतीयों ने बार बार अपनी प्रतिभाओं का लोहा मनवाया है। नतीजतन आज हर महाद्वीप पर भारतीयों की बुलंदियों पर बजने वाली तालियों की गूंज है। देश और विदेश के अखबारों में बटोरी गई सुर्खियां हैं। सुंदर पिचाई, सत्य नडेला, पैराग अग्रवाल जैसे कई नामों से शुरू हुई ये फहरिस्त लंबी होती जा रही है। अब इस फहरिस्त में एक और नाम जुड़ गया है, वो नाम जिसकी आवाज ब्रिटेन की गलियों से आ रही है। वो नाम है ब्रिटेन के सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले भारतीय मूल के ऋषि सुनक का। ब्रिटेन में सबसे काबिल और लोकप्रिय नेता के रूप में नजर आ रहे ऋषि सुनक ब्रिटेन के 57वें प्रधानमंत्री बन गए हैं, जो वक्त के एक बड़े फेरबदल को दर्शाता है। क्योंकि एक दौर था जब ब्रिटेन ने भारतीय देश पर हुकूमत जमाई थी, लेकिन आज एक भारतीय द्वारा ब्रिटेन के देश को चलाया जाएगा। ऋषि सुनक का जन्म इंग्लैंड में 12 मई 1980 को हुआ था। इनके दादा दादी ब्राह्मण हिंदू परिवार से हैं, जो व्यापार के कारण जलंधर भारत से इंग्लैंड जा बसे थे। ऋषि के पिता यशवीर सामान्य चिकित्सक रहे तो माता उषा फार्मास्यूटिक थी। उनका परिवार मूल रूप से ब्रिटेन इंडिया के पंजाबी प्रांत में रहता था और वे भारतीय पंजाबी हिंदू हैं। ऋषि तीन भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। ऋषि सुनक के भाई संजय एक मनोवैज्ञानिक है, वहीं उनकी बहन राखी विदेश राष्ट्र मंडल और विकास कार्यालय में शांति निर्माण और संयुक्त राष्ट्र के लिए काम करती हैं। ऋषि सुनक की शुरुआती पढ़ाई विंचेस्टर में कॉलेज से हुई, जहां निजी संस्थान से पढ़कर वो चांसलर निकले हैं। साथ ही वो स्कूल के समाचार पत्र में संपादक भी थे। हालांकि इन्होंने ऑक्सफोर्ड लिंकन कॉलेज में दर्शन शास्त्र, राजनीति और अर्थशास्त्र की भी पढ़ाई की है। वहीं उन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी के मुख्यालय में इंटर्नशिप भी की थी। 2001 में ग्रेजुएशन होने के बाद उन्होंने गोल्डमैन सिक्स नामक कंपनी के विश्लेषक के तौर पे काम भी किया। सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए करने के दौरान इंफोसिस संस्थान की बेटी अक्षिता मूर्ति से इनकी मुलाकात हुई, जिसके बाद इन दोनों ने शादी कर ली थी। अक्षिता इंग्लैंड की सभी धनी महिलाओं में से एक है। तो वहीं 2010 में सुनक ने कंजर्वेटिव पार्टी से राजनीति की शुरुआत की थी, जिसमें उनकी 2015 में हाउस ऑफ कॉमेसी से भारी बहुमत से जीत भी हुई। हालांकि उन्हें 2017 से 2019 में सांसद के लिए दोबारा चुना गया था। फिर सुनक को 13 फरवरी 2020 में राजकोष चांसलर के पद पर नियुक्त किया गया था। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें।